प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और टेंस का सीरीज चल रहा है और हम बात करेंगे आज चौथे टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडिफिनिटिव का चौथा पार्ट है और अब बच जाएंगे दो, फिर दोनों को चार चार भेद। इस तरह से आपकी टेंस से सीरीज खत्म होगा। सबसे बड़ी अच्छी बात है बच्चे जी आपके लिए कि इसमें आपको ट्रांसलेशन साथ में मैं करा रहा हूँ। उसके बाद में आपके जितने पेपर में आने की संभावना होती है क्वेश्चन, या जितने आए हैं तो सबको तो इंक्लूड किया गया है। साथ में दो चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी मैं करता हूँ ताकि आपको ये फिर आए कि पेपर में इसके MCQ कैसे पूछे जाएंगे। तो हमारा पढ़ने का पर्पस यही होगा, व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, कि आपको ग्रामर से जो क्वेश्चन आते हैं टेंसेस से ये क्वेश्चन आपसे बन जाए। और अगर आप एवरेज देखें तो बच्चा जी चार क्वेश्चन तो आते ही आते हैं पेपर में, क्लास 9th, 10th, 11th, 12th में चार क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। चलिए शुरू करते हैं आज का चौथा अपना टाइप प्रेजेंट इंडिफिनिट का। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, काम हो भी गया होगा और चल भी रहा होगा, लेकिन परफेक्ट पूरा हुआ और कंटिन्यूअस जारी भी है। इसका डिफिनेशन है कि द टेंस विच डिनोटेड द सेम पार्ट ऑफ वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, एंड काम तो कंप्लीट हो गया है, और सम पार्ट और कुछ काम उसके वर्क इज गोइंग ऑन और कुछ काम उसके चल भी रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, डैश से डैश रहा रही रही, सर नहीं क्लियर हुआ। एग्जांपल देखिए, वह सुबह से पढ़ रहा है, हम लोग 2 घंटों से पढ़ रहे हैं। ऐसा अनुवाद आपको जब भी दिखे, इतने दिनों से खेल रहा है, वो 4 बजे से पढ़ रहा है, तो समझना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। सर इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर होते हैं बनाने का, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज़ बिन या हैव बिन का प्रयोग। सर हैज़ बिन कहाँ लगाएंगे, वही थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, और बाकी सब में हैव बिन तो लग ही जाएगा। प्लस V4 लगाना है ऑब्जेक्ट प्लस, इसमें एक और चीज़ करना है, सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा। सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे प्लस टाइम एक्सप्रेशन चलेगा। अब सर ये सिंस कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है, तो इसके लिए बच्चे जी आपको बस छोटी सी बात याद रखना है, अगर टाइम फिक्स है तो सिंस लगाइएगा, टाइम फिक्स नहीं है तो आप फॉर लगाइएगा। जैसे देखिए बच्चे जी, सिंस मंडे क्या है, टाइम फिक्स है, आप मंडे को ट्यूजडे तो नहीं बोल सकते हो, 2006, 2024, 2025 ये जितने सीजन आ रहे हैं, ये नाम जिन आप इस तरह ले रहे हैं ये सब फिक्स होते हैं। आप 9 o'clock 7 o'clock जो भी बोलते हैं टाइम फिक्स है। मॉर्निंग सुबह को सुबह ही बोलना पड़ता है, सुबह को हम शाम तो नहीं बोल सकते हैं। चाइल्डहुड बचपन को बचपन ही बोला जाता है, बुढ़ापा को बुढ़ापा बोलते हैं। अब उसके बाद लास्ट ईयर वीक मंथ लास्ट मंथ यस्टरडे, ठीक ये सब वर्ड आ जाते हैं, समझ लगे फिक्स टाइम है। क्या है फिक्स, अगर फिक्स है तो आप क्या लगाइए उसमें, हैज़ बिन का प्रयोग होगा, और साथ में इनके साथ में सिंस लगता है, इनके साथ में आप सिंस का यूज करेंगे। सर फॉर क्या, जहाँ पर टाइम फिक्स ना हो, मैं बोला मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अब ये 2 घंटा फिक्स नहीं हो रहा है कि 2 घंटा कौन सा है, 3 दिन से पढ़ रहा हूँ, 4 महीने से पढ़ रहा हूँ, 5 साल से पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो ईयर पता नहीं चल रहा है कौन सा ईयर है, तो इसको बोलते हैं नॉट फिक्स टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये नॉट फिक्स है, ये फिक्स टाइम है, इसको पॉइंट टाइम बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। बस क्लियर हो गया, अब आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे चैप्टर में। चलिए इसके कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर इस पर आपको कुछ होमवर्क मिलेगा और उस पर जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए इस टेंस से किया जाएगा। छोटे छोटे पार्ट में वीडियो लाए जा रहे हैं ताकि बच्चे आसानी से पढ़ें, कोई समस्या ना हो। वह सुबह से पढ़ रहा है, तो देखो सुबह क्या है, एक फिक्स टाइम है तो सेंस लग जाएगा, क्लियर है, लेकिन ही मतलब अब ही के साथ हैज़ भी लगता है, इसमें आप हैव भी नहीं लगा सकते हो। मैंने बोला V4, तो रीड का V4 रीडिंग। अब देखो सुबह क्या फिक्स टाइम है तो सिंस लगाना है, और मॉर्निंग इस क्लियर हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, तुम 2 घंटों से पढ़ रहे हो, तो यू हैव बीन रीडिंग, यहाँ पर मैं सिंस नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि 2 घंटा क्लियर नहीं हो रहा, 2 घंटा है कौन सा, तो फॉर 2 आवर्स। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है इसके, वही हैव या हैज़ के बाद नॉट लगा देने का, तब उसके बाद बिन लगाइएगा। जैसे मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं दौड़ रहा हूँ, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव नॉट, तब बिन लगाना है बच्चा जी, उसके बाद बिन लगाएं, उसके बाद रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्लियर है। फिर वह 2014 से इस शहर में रह रहा है, तो तुम 2 दिनों से इस काम को नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल है, आप जरूर बना लीजिएगा, मैं जितने आपको ज़्यादा एग्जांपल का ही क्वेश्चन लेता हूँ कि बच्चे पहले तो एग्जांपल कर ले,
एक्सरसाइज तो आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन मेरा मोटो है कि इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व किए जाए। अभी तो हम लोग साथ में ट्रांसलेशन इसलिए चला रहा हूँ कि थोड़ा आपका ये भी रिविज़न हो जाए, अच्छा खासा आपका कमांड हो जाएगा ट्रांसलेशन पर। इंट्रोगेटिव में क्या करना हैज हैव को पहले ले लेना है, जैसे कि क्या हुआ सुबह से पढ़ रहा है, हैज ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या कर पाएंगे, क्या बच्चे कर लेंगे इस चीज़ को, हाँ सर कर लेंगे। तो अब देखिए इस पर आधारित जो भी इसके ट्रांसलेशन है मैं दे रहा हूँ, वो हर बार की तरह जो क्लास छोटे बच्चे होंगे उनके लिए जूनियर से मैं देने जा रहा हूँ, और जो थोड़ा क्लास 11 12th वाले हैं, अच्छा आपका इंग्लिश पहले से रेडी था। हम चौथे टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक बार थोड़ा इनका स्ट्रक्चर आप पढ़ लीजिएगा, ये सब चीज़ें अच्छा लगता है, एग्जांपल भी थोड़ा देख लेना है बच्चा जी, बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं खाता रहा हूँ, हम लोग पढ़ते रहे हैं, ठीक है, सिंस फॉर का प्रयोग यहाँ भी सिखाया गया है, देख लेना क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जांपल यहाँ से भी कुछ करा दिया हूँ, अन्य एग्जांपल आप देख सकते हैं प्यारे जी। और आपको एक्सरसाइज इसमें से पहला होमवर्क है आपका कि इसमें से आप सब बना ले तो भी बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा तो दिया नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पाँच दस तो आपको बनाना ही बनाना है। चलिए ये सब एग्जांपल मैं वो करा दिया हूँ 97 से, इससे भी पांच क्वेश्चन आप जरूर कर लें, आप पूरा भी कर सकते हैं अच्छे बच्चे हो तो कम से कम तो कम चोर हैं तो आपको पांच तो करने ही करने हैं, ताकि आपको इसका स्ट्रक्चर पता चले। मैं ऑफलाइन बच्चों से डेली टेस्ट ले रहा हूँ, आपसे डेली पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन छात्र आप हैं तो ज़रूर इसको अपने खुद से रिविज़न ज़रूर कीजिएगा, 98 से भी आपको कर लेना है, हो गया। इस तरह से बच्चे क्या होगा अपना ये हो जाएगा, हम अगले लेक्चर में इंस्टेंस की बात करेंगे, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप आए थे बिना उसके जाएँ कैसे। अच्छा करंट से भी दे दूँ क्या, या उससे ही कर लीजिएगा, और जिनके पास ये वाला है आप इनसे बना लीजिएगा, आप इनसे बना लेंगे ना करंट वाले से, कर लीजिएगा, समझ लेगा उसे, पाँच पाँच एग्जाम्पल को करने ही करने। आइए सर इस चैप्टर को, जो भी इस चैप्टर से हमें ऑब्जेक्टिव पेपर में आते हैं उनके लिए सर कुछ उपाय बताइए। तो आपको उपाय दिया गया तो उपाय इस बार भी दिया जाएगा, जैसे मैंने बोला कुछ ट्रिक्स हैं आपको याद रखें इसको, किसी भी सेंटेंस में आपको सिंस फॉर टाइम एक्सप्रेशन दिखे तो आप डायरेक्टली हैज़ बीन या हैव बीन बिफोर का इस्तेमाल जरूर कर दीजिएगा, 100% आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, ठीक है, या हैज़ बीन, या हैज़ बीन हैव बीन पहले से दिखे तो आप बिफोर लगा ही देना प्यारे जी। और एक ध्यान रखिएगा, नॉट टाइम फिक्स होगा तो फॉर लगाना है, फिक्स टाइम होगा तो आपको सिंस का इस्तेमाल करना है। सर कुछ अभ्यास करा दीजिए क्वेश्चन का जरूर बच्चा जी, आपके लिए सर बहुत परिश्रम करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ सॉरी, देखो आई डोंट डॉट हर सिंस मॉर्निंग, बिफोर है सिंस है, सिंस है तो मैंने बोला सर हैज हैव लगा दीजिएगा, तो सर आई में तो हैज नहीं लगा सकते, आई में आप हैव बिन लगा सकते हैं, ऑप्शन बी आपका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, मैं साइड में आंसर लिख दिया हूँ, सॉरी दूसरा क्वेश्चन छूट गया। ही हैज़ बीन एब्सेंट डॉट डॉट मंडे, मंडे है, टाइम फिक्स है तो सिंस का इस्तेमाल होता है, तो बच्चा जी ये रहा, क्या अच्छा लगा फीलिंग बच्चा जी, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बताओ आपको ये लेक्चर देखने के बाद आपसे क्वेश्चन बने कि नहीं बने, तो बच्चों का जवाब होगा सर बन गए, जॉन डॉट डॉट इन हॉस्पिटल फॉर 2 weeks, देखो 2 weeks सप्ताह फिक्स नहीं है, तो पहले तो इसमें फॉर लग ही गया है, लेकिन मैंने बोला कि जब भी आपको ये देखिए फॉर सिंस समझ लेना कि इसमें आपको है जमीन का इस्तेमाल करना है, आई में जॉन क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, अर्थात किसी व्यक्ति का नाम है, इसमें आप हैज़ बीन लगाइएगा, हैज़ बीन ऑप्शन ए में दिख रहा है, बच्चा खुश हो गया। चलो सर चौथे प्रश्न को देखिएगा, दे हैव बीन पहले से हैव बीन ऑलरेडी है, आप इसमें भी फोर खोजें, लिव लिविंग लिव्ड, प्यारा प्यारा बच्चा जानता है भी फोर मतलब आई एन जी लगा होगा, कमलेश हैज़ बीन, हैज़ बीन ऑलरेडी है, बी फोर खोजो खुश हो जाओ, रिपेयर्ड रिपेयरिंग, ऑप्शन बी के साथ बच्चा जी जाएंगे, बहुत अच्छे बालक होंगे। छठा क्वेश्चन देखिएगा, ही हैज़ बीन एब्सेंट डॉट डॉट मंडे, अब देखिए अच्छा ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी ऊपर हो चुका था, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, मंडे है टाइम फिक्स होता है, सिंस का आप इस्तेमाल करें, हो गया। दे है दे डॉट डॉट हेयर सिंस 2005 टाइम सिंस है
टाइम फिक्स है, सिंस है या फॉर है, आपको भी फॉर लगाना है, हैज बीन लगाना है, दे में सर हैज बीन लगता है तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बच्चा जी इतना आसान आपको टेंस कहीं पढ़ाया गया था क्या, बताइएगा जरूर। सोनम डॉट डॉट फॉर मी फॉर 2 आवर्स, समय फिक्स नहीं है तो भी इसमें हैज बीन का इस्तेमाल होगा, तो सोनम क्या नाम है, नाम में हैज बीन लग जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आई हैव बीन पहले से है, प्लेइंग है तो आप इसमें, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग टाइम फिक्स होता है तो सिंस के साथ जाएंगे आप। इट डॉट डॉट अ लॉट दिस वीक, आप इसमें इट में तो आप हैज बीन लगाएंगे बच्चा जी, कोई इसमें शक नहीं है। इन डॉट डॉट इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स, आई के साथ हैव बीन लगा दीजिएगा। My mother in dot dot this office for the last 20 years, ये भी last 20 years, इसमें भी आप my mother मेरी माँ है तो has been का इस्तेमाल कीजिएगा। अब बताइए कि क्या ये 10 मिनट का लेक्चर आपको अच्छा खासा नॉलेज देकर गया कि नहीं। छोटा सा वीडियो था क्योंकि एक ही टेंस लेकर आए थे, मैं छोटा छोटा ही लग गया ना, अगर इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि दो साथ में करा दूँ। सी डॉट डॉट इन स्कूल ऑल डेज, सी के साथ has been का इस्तेमाल कीजिएगा। आई डॉट डॉट लिविंग हेयर सिंस 2000, समय है तो हैज बिन का इस्तेमाल कीजिए या हैव बिन का, आई के साथ हैव बिन लग जाता है, ऑप्शन सी राइट है। और यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन मिक्स वाले हैं, एक सेट ऑफ कॉम्स डॉट डॉट बिन बॉट, तो इसमें देखें हैज बिन दिखा आपको तो इसमें हैज बिन लगा दीजिएगा, कॉम्स है तो उसका हैज बिन आ जाएगा, इसमें ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। What डॉट डॉट लिविंग डूइंग दिस मोमेंट, ऑप्शन ए के साथ जाइएगा। What is, ये दूसरे टेंस का भी क्वेश्चन इसमें कुछ इंक्लूड किया हूँ, अगर पेपर में से दिख जाता है ना बच्चा जी तो जरूरी नहीं कि मैं इस टेंस का ही क्वेश्चन लाया हूँ, कर देता हूँ। और एक बात और, मैं आपको बच्चा जी ये टेंस पढ़ाया था पहला वाला, क्या उसमें कुछ अच्छा जी उसमें क्वेश्चन कुछ बढ़े हैं, आप कितने क्वेश्चन किए थे इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिटिव टेंस के, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आप मिला लेते हो एक बार, आपके क्वेश्चन कितने थे। मैं मेरे ख्याल से 73 पहले टेंस की बात कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन है मिला लीजिए क्या आपने इसे कर लिया है, अगर कुछ क्वेश्चन आपको नए दिख रहे होंगे तो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। और मैं बोला हूँ कि जितने टेंस आप बनाते चलेंगे सब में एक एक पे छोड़ दीजिएगा, ताकि सर आपके लिए जब भी क्वेश्चन खोज के लाएंगे तो आप उसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि बच्चे ये ग्रामर है, जितना एक्सरसाइज करोगे जितना अभ्यास करोगे उतना अच्छा होगा। तो क्या मिला लो इसमें से कुछ क्वेश्चन है क्या, मेरे ख्याल से कुछ नए क्वेश्चन हैं जो आपके पिछले नोट्स में नहीं होंगे, कल परसों मैंने लिखा था इसको, तो मुझे याद है जब बच्चों का वीडियो शूट करूंगा तो उनके क्वेश्चन दिखा दूंगा। 88 मेरा क्वेश्चन जा रहा है पहले चैप्टर से, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस से 88 क्वेश्चन है, फिर भी एक पे छोड़ा हूँ क्योंकि उस टेंस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। दूसरे टेंस से मिला लीजिए तो क्या दूसरे टेंस में आपके कितने क्वेश्चन हैं, तीसरा ये तीसरा टेंस है, ये क्वेश्चन तो मैं देखा था हो गया था शायद, इसमें भी कुछ क्वेश्चन भरे हैं, एक बार मैचिंग कर लेना आपको। हो गया एक और टेंस था अपना, कौन सा दूसरा, ये प्रेजेंट परफेक्ट का दिया था आपको होमवर्क, इसमें से भी लाइए तो आपको कितने क्वेश्चन कराए गए हैं। दूसरा टेंस है, क्या ट्रिक याद है बच्चों को, दूसरे टेंस का ट्रिक याद है, चलो हो गया। तो चौथे टेंस आपका आज कंप्लीट हुआ, पांचवें में हम आपसे मिलेंगे, लेकिन जो भी आपसे मैं इधर का ये दे रहा हूँ होमवर्क, ऑफलाइन बच्चों का तो होमवर्क चेक हो जाता है, लेकिन जो भी आप ऑनलाइन के प्यारे छात्र हैं तो बिल्कुल से जरूर से होमवर्क जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट कीजिएगा इसमें, तभी तक आपके लिए हम कुछ अच्छा और करेंगे। छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बच्चों का, आपका टाइम भी बचे और आप कम टाइम में अच्छे से इसको आप पढ़ लें। धन्यवाद, थैंक यू।